नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें, गुरुवार को पटना के शास्त्री नगर में जो अग्निकांड घटा था उसको लेकर लगातार मुलाकात करने के लिए पीड़ितों से जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। इस बीच में आपको बताया तो सांसद रवि शंकर प्रसाद और उनके साथ बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद रहे, पीड़ितों से बातचीत की, मुखातिब होकर उनके दर्द दुख को अपने साथ साझा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास से हम मदद करेंगे। पहले सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ मीडिया के सामने मौजूद होकर बयान रखा। मैंने इस भयावह दृश्य को देखकर मन बहुत दुखित हुआ है। मैंने यहाँ से ही कलेक्टर से बात किया, उन लोगों को कुछ पैसे मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं, तो उनको मिलना चाहिए। प्रशासन के पदाधिकारी भी यहाँ पर थे। सबसे ज़रूरत है कि यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, शौचालय जहाँ है। मैंने कलेक्टर से कहा है कि मूविंग शौचालय आप तुरंत मंगाइए और जो यहाँ पर है उसको भी ठीक करिए, ताकि ये तो आवश्यकता है ना कि शौचालय की जरूरत पड़ती है। तो कलेक्टर साहब को मैंने कहा शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, मैं तुरंत कार्रवाई करूँ। दूसरी बात है, इन्होंने बताया कि केबी सारे स्कूल में इन्हों के रात के सोने की व्यवस्था की गई और भोजन की व्यवस्था की। हमने कहा वो व्यवस्था चलनी चाहिए और मैंने कलेक्टर साहब से बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि इन लोग के जो घर जले हैं उसके पुनर्निर्माण की तेजी से कर रहा, उसको फॉलो करूँगा। सबकी दुनिया लूट गई, हमें देखा है, बहुत पीड़ा हुई है, हम उसको मदद करेंगे, जल्दी इनका जीवन फिर सरकार ठीक है ना। पहले उनकी भी चिंता करेंगे, पहले जो एक दो लोग को चोट लगी है अस्पताल में है उनकी भी इलाज की मैंने व्यवस्था निर्देश कर दिया, वो भी करूँगा। मोटी बात यह है कि हम बहुत दुखित हैं, कम से कम जान बच गई इसका संतोष है, लेकिन सबका आशियाना लूट गया। तो पूरी गाय हमको सर ठीक भैया, जब आए तो आगे बढ़ जाइए, सब जल गया, बर्तन उड़ता है सब जल गया, लोहिया उहिया रहता है सर। आते जाइए हम बात किए अभी, जरूर पूरी मदद करेंगे, ठीक है, जरूर कुछ नहीं बताया। सर देखिए ना सर, इधर भाई का हालत क्या हो गया है, गाड़ी जल गया उनका बुलावा। आपको बता दें कि पटना के शास्त्री नगर इलाके में गुरुवार को अग्निकांड हुआ था, यानी सिलेंडर फटने की वजह से आग लग गई थी। भीषण आग में कई संपत्ति भी जलकर राख हो गए। इस बीच में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए रविशंकर प्रसाद पहुंचे, संजीव चौरसिया पहुंचे और कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर जितनी संभव प्रयास हो सके हम आर्थिक सहायता देंगे और पीड़ितों का सहायता करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे उनके साथ बैठकर बातचीत की, उन्होंने समझाया कि स्थिति खराब थी इस वजह से हुआ। रविशंकर प्रसाद ने और कई बातें महत्वपूर्ण रखी, उन्होंने कहा कि जितना संभव प्रयास हो सकता है हम लोग पीड़ितों के साथ मिलजुल कर सहायता करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ हर योगदान में मदद साबित होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले, लाइक कर ले और अपना कमेंट जरूर दे, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।